गैंग रेप मामले में पीड़िता के जो पिता हैं वो कई दिनों बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनकी बेटी का नाम मीडिया में सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक कर दिया जाता है, तो उन्हें वाकई में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बलात्कार के खिलाफ ठोस कानून बनता है, सख्त कानून बनता है, अगर उनकी बेटी का नाम उससे जोड़ा जाता है, उनकी बेटी के नाम पर कोई सख्त कानून बनता है, तो उनके लिए वाकई एक सम्मान की बात यहाँ पर होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो मीडिया के सामने मुखातिब हुए और इस तरह की तमाम बातें, तमाम चीजें उन्होंने मीडिया के सामने आकर मीडिया कर्मियों के सामने रखी हैं। यहां तो आपको बता दें कि बयान तब टूट पड़ा जब केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने यह बात उठाई थी कि आखिर दिल्ली गैंगरेप पीड़िता का नाम क्यों नहीं उजागर किया जा रहा। वाकई बलात्कार के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए और इससे कड़े से कड़े कानून का जो नामकरण है वो वाकई उस पीड़िता के नाम से भी जोड़ा जाना चाहिए। और इस बाबत एक बार फिर जो है गैंगरेप पीड़िता के जो पिता है वो मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके लिए वाकई एक सम्मानजनक बात होगी अगर बलात्कार के खिलाफ ठोस कानून आता है, सख्त कानून आता है और उनकी बेटी का नाम जो है इसके साथ जोड़ दिया गया, तो वाकई उनके लिए एक सम्मानजनक बात होगी। ये सब चीजें उन्होंने मीडिया के सामने रखी हैं, कही हैं, तमाम मीडिया कर्मियों को बताते हुए सब चीजें उन्होंने कही। जी हां, तो बलिया में वो तमाम मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। तमाम जो खबरें हैं आपको इस गैंगरेप, दिल्ली गैंगरेप मामले से संबंधित लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कितने दिन बाद जो है लड़की के जो पिता है वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुलकर ये सारी बातें, तमाम चीजें मीडिया कर्मियों से साझा करी। जी हां, उस वक्त की तस्वीर है जब बलिया में तमाम मीडिया कर्मियों से दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के पिता मीडिया से रूबरू हो रहे थे। तमाम चीजें जो हैं इस केस से संबंधित, इस नामकरण को लेकर जो कानून